पूरे प्रदेश के साथ मैनपुरी में भी धरना प्रदर्शन की झलक देखने को मिली है। वहीं देश में हो रहे नागरिकता संशोधन पर लूट एवं हत्या, बलात्कार व भ्रष्टाचार, रोजगार को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष दीप सिंह पाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। बंगलौर में रामचंद्र गुहा जी जो एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है, कई बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको डिटेन कर लिया गया, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास ही सरकार कर रही है। कुछ एक्टरों ने भी इसका विरोध किया था तो उन्हें सीरियल से हटा दिया। हाँ, मैं कल देखा सावधान इंडिया के एक होस्ट थे, उनको निकाला गया। बॉलीवुड के कई एक्टर्स, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों ने बहुत इस बात का विरोध किया और अब पूरे देश में इस चीज़ की मांग उठ रही है। जो ये कानून बनाया गया, ये देश के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। और देश जिस बुनियाद पे हमारे देश की स्थापना हुई, हमारी आज़ादी मिली और जो महात्मा गांधी जी के विचार, बाबा साहब के विचारों पर जो देश हमारा आगे चला था, उन विचारों को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है। क्या नहीं लगता कि हिटलर सही सरकार है पूरे देश? देखिए, जो मॉडल हिटलर की जर्मनी का था, नाजी का जो मॉडल था, जिस तरह से वहाँ के ज्यूस को निकाला गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, ठीक उसी पैटर्न पे सरकार चल रही है कि पहले चिन्हित किया गया, फिर कानून बनाया जा रहा है, फिर दोबारा चिन्हित करके सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उनको बाहर निकालने का प्रयास लोग कर रहे हैं। तो पूरी तरह से हिटलर शाही है और मुझे लगता है कि देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे। और लगातार कई दिन से मैं देख रहा हूँ, हर प्रांत में इसका विरोध हो रहा है, नेताओं से लेकर और आम आदमी तक इस बात का विरोध कर रहा है और सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहा है। पूरा प्रदेश धरना प्रदर्शन कर रही है, मैनपुरी में भी, क्या क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, प्रदेश के साथ साथ देश में भी कई जगह NRC और CAA के खिलाफ आज प्रदर्शन हो रहे हैं। हम लोग का प्रदर्शन NRC के खिलाफ, CAA के खिलाफ, प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जिस तरह से हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहे हैं उसके खिलाफ में, और जो महंगाई पूरे देश में बढ़ रही है उसके खिलाफ में आज धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। जामिया में लगातार बच्चों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस पर क्या कहना? देखिए, जामिया में क्या हुआ, वीडियो के माध्यम से वहाँ के स्टूडेंट्स के जो बयान थे उनके माध्यम से पूरे देश ने देखा। जहाँ स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, हॉस्टल्स में थे, लड़कियाँ बाथरूम तक से घसीट के लड़कियों की पिटाई पुलिस के द्वारा की गई, और बहुत ही अमानवीय हरकत है। और जिस तरह से जामिया जैसी प्रतिष्ठित संस्थान को निशाना बनाया गया, उससे पहले लगातार JNU को भाजपा के लोग निशाना बनाते रहे, ये कहीं ना कहीं शिक्षा को ख़त्म करने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि RSS के विचारधारा हर यूनिवर्सिटी तक पहुँचे और जो यूनिवर्सिटी इनका विरोध कर रही है उनके खिलाफ ऐसे कदम उठा रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जामिया के साथ साथ IIT बॉम्बे, IIT चेन्नई, जो बड़े संस्थान इस देश के हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी धर्म जाति से ऊपर उठकर स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई और धरने प्रदर्शन किया। ये जो नागरिकता बिल जो है मोदी चला रहे हैं, उसको पास करा रहे हैं, क्या ये वाकई में देश के हित में रहेगा?